बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट अलहमदिल्ला। हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज जो बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्ती ढाबे वाली माश की दाल, आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल ले लूँगी, पतीली में ऑयल ले लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी जो है एक दो लौंगे डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी 1 टेबल स्पून, और एक छोटी सी बिल्कुल दालचीनी का टुकड़ा, ये प्याज है जो चॉप कर ली थी मैंने, ये शामिल कर दूंगी इसमें। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, बस ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटो पेस्ट। प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है, इसमें टमाटर पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मसाले जाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डाल मिर्ची शामिल कर देंगे। इसमें हरी मिर्चें, तेल थोड़ा कम है, हमने ऑयल शामिल कर दिया इसमें। इसको हम अच्छी तरह से भुनाई थी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से लहसुन और प्याज टमाटर सब अच्छी तरह भुन जाए। जो लोग मेरी नई वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और मुझे मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आ सके। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरा हर कॉपरेट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, और मेरी वीडियो फुल देखिएगा। इसमें मैं दाल शामिल कर दूँगी, माश की दाल ही भिगो दी थी मैंने 1 घंटे पहले। माश की दाल की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो है वो माश की दाल की जो अलग स्मेल होती है वो चेंज हो जाए बिल्कुल। तो 10 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे, फिर उसमें पानी डाल के उबलने के लिए छोड़ देंगे, और टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर देंगे। इसकी भुनाई कितना हो चुकी है, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, गलने के लिए रख देंगे। ये हमारी दाल जो है माश की भुन चुकी है, अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे इतना कि गल जाइए। मैंने तकरीबन 1 कप भर के डाल दिया है पानी, उसको ढक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माश की दाल बनकर रेडी हो चुकी है, पूरी गल चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है चाट मसाला शामिल करने से, ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, जायका अच्छा हो जाएगा। अब सर्व करके दिखाऊंगी आपको मिक्स करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल जो है माश की दाल तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसी तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। इसे आप धनिए से और कसूरी मेथी से भी सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है इससे। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हर उस जगह से हर खुशियाँ और नेमतें अता करें, आपसे गुमान भी ना हो, आमीन। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।